इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ नोटपैड में फॉन्ट के साइज को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं नोटपैड, यहाँ क्लिक करते हैं। नोटपैड ओपन हो चुका है। फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है साइज, आप इनमें से किसी भी साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं 16। आप देख सकते हैं फॉन्ट के साइज का सैंपल यहाँ शो कर रहा है। इसे चेंज करते हैं तो सैंपल साइज और बड़ा हो जाता है। इसी तरह से अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिसे भी सेलेक्ट करते हैं उसका सैंपल यहाँ पर शो करता है। इस फॉन्ट के लिए यहाँ पर चार तरह का स्टाइल दिया हुआ है, आप इनमें से चाहें तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फॉन्ट के लिए फिर से चार तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। यह सेटिंग सभी नोटपैड के लिए अप्लाई होगा। अगर आपने कोई नोटपैड पहले से बनाया हुआ है तो उस पर भी यह सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। इसे क्लोज करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।